नमस्कार। आपके साथ हम सबका इतना प्रगाढ़ रिश्ता है कि इस रिश्ते को आगे भी हम बढ़ाते रहेंगे। अभी पुनः एक बार हम बैठे हैं, हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी हैं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर से आपसे बात करेंगे, मतलब सीधी बात करेंगे, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक बात करेंगे। हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय अरुण सिंह जी हैं, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और नव निर्वाचित राज्यसभा सांसद श्री हर्ष महाजन जी हैं। सर्वप्रथम मेरा आग्रह होगा, फिर हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ साथियों का सदस्यता ग्रहण कराने के लिए, उनका परिचय कराने के लिए और अभिवादन करने के लिए माननीय डॉक्टर राजीव बिंदल जी से आप विधिवत शुरुआत करें। धन्यवाद संजय जी। मीडिया के सभी साथियों का एक बार फिर से अभिनंदन। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, हिमाचल प्रदेश से चार बार के माननीय सांसद, केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी, राज्यसभा के नवनिर्वाचित माननीय राज्यसभा सांसद, पूर्व में मंत्री रहे, पूर्व में विधायक रहे आदरणीय श्री हर्ष महाजन जी, और तीन पूर्व विधायक जिनके नाम मैंने, वर्तमान विधायक, पूर्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता जो हमारे मध्य हैं, श्री विक्रम ठाकुर जी, श्री राकेश जम्वाल जी, श्री त्रिलोक जम्वाल जी। मुझे आज पुनः एक बार तीन माननीय विधायक, वरिष्ठ विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करने हेतु आपके सामने उनका परिचय प्रस्तुत कर रहा हूं, और इन तीनों को भारतीय जनता पार्टी में सादर आमंत्रित करता हूं और आपको अभिनंदन करता हूं। श्री के एल ठाकुर जी, श्री किशनलाल ठाकुर जी, आप इरिगेशन पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड तो नहीं, परंतु से इन्होंने वीआरएस ली, रिटायरमेंट लेने के बाद पहला चुनाव आपने भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर सोलन जिला के नालागढ़ से लड़ा, जीता, और इस बार आपने आजाद उम्मीदवार के नाते नालागढ़ से दूसरी बार चुनाव जीता। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में आप जिला के अध्यक्ष रहे, परंतु इस बार आप भारतीय जनता पार्टी से नहीं, आजाद उम्मीदवार के नाते जीत करके आए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। माननीय मेरी राइट साइड बैठे हैं श्री होशियार सिंह जी, आप होशियार सिंह जी दूसरी बार आजाद उम्मीदवार के नाते आप देहरा जिला से, देहरा विधानसभा क्षेत्र से जीत करके आए हैं और जनता में बहुत ही लोकप्रिय हैं। ये श्री होशियार सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तीसरे बहुत ही युवा साथी हैं, यंग एनर्जेटिक, हमीरपुर शहरी सीट जो है वहां से आजाद उम्मीदवार के नाते जीत कराए, श्री आशीष शर्मा जी हमारे मध्य हैं। तीनों माननीय विधायकों ने और स्पीकर हिमाचल प्रदेश को अपना त्याग पत्र दिया है और आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन। मेरा माननीय अनुराग जी, माननीय अरुण जी, जयराम ठाकुर जी
और राजीव बिंदल जी सबसे अनुरोध होगा कि आप विधिवत सदस्यता कराएं। श्री केएल ठाकुर, होशियार सिंह जी, होशियार सिंह जी, श्री आशीष शर्मा जी, आप भी वहीं रहे सर, फोटो आशीष शर्मा जी, तुषार जी अभिनंदन, स्वागत। आप लोग भी एक बार फोटो में आ जाओ, तीनों लोग जल्दी जल्दी। ये तीन और शामिल ही हो रहे अपने ही कहीं आप बोलोगे किश्तों में करवा रहे हैं। मेरा आग्रह होगा माननीय अनुराग जी से कि आपको संबोधित करें और अभिवादन करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं तीन माननीय निर्दलीय विधायकों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, उस दल में आकर आप शामिल हुए हैं और आप एक बड़े परिवार, मोदी के परिवार का हिस्सा बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के परिवार का हिस्सा बने हैं। जैसा आप सबको ज्ञात है, कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों ने पार्टी की सदस्यता को छोड़कर, कांग्रेस के छक्के छुड़ाकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अब तिकड़ी ने, जो निर्दलीय 3 है, इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि शुभ अंक 9, जो पूर्णता का, सिद्धि का, संतुलन का है, द नंबर 9 रिप्रेजेंट्स कंप्लीटनेस, बैलेंस एंड परफेक्शन। सो मैं कहूंगा 6 ने छक्के छोड़ाए कांग्रेस के, तो तिकड़ी ने शुभ अंक 9 बनने में सहयोग दिया और आज 9 विधायक छोटे से हिमाचल प्रदेश में, जो लगभग 14% कुल संख्या का बनते हैं, और जब कांग्रेस अपने 43 गिनती थी, अगर उनमें से 9 अगर ऐसे निकाल लिए जाएं, तो आप समझ सकते हैं आज उनकी स्थिति क्या है। मैं इतना ही कहूंगा, आप आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को ताकत भी बढ़ेगी, लेकिन आप एक नए परिवार का हिस्सा बने, आपको पूरा मान सम्मान मिलेगा। और मैं यही कहूंगा, 3 के 3 आजाद जो थे,
आज दूसरी तरफ सफाया करके पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मेरा आग्रह माननीय अरुण सिंह जी से होगा पार्टी की ओर से अभिवादन। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश भर में सबसे अधिक अगर कारपोरेटर हैं तो भारतीय जनता पार्टी के, सबसे अधिक विधायक भारतीय जनता पार्टी के, सबसे अधिक सांसद अगर कहीं हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के, और 19 राज्यों में अगर सरकारें हैं तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की ही है। और जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां डबल इंजन के माध्यम से विकास की गति को देखा जा सकता है कि लोग खुश हैं, खुशहाल हैं। और हिमाचल में आज लगातार निरंतर प्रदेश पिछड़ता हुआ जा रहा है, उसी से त्रस्त होकर के जो कांग्रेस की नीतियां हैं और जो जिस प्रकार से वहां विकास अवरुद्ध हुआ है, आप 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं, इसलिए हमें केएल ठाकुर जी और होशियार सिंह जी, आशीष शर्मा जी, इन तीनों का भारतीय जनता पार्टी के परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज विश्व के सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य के रूप में आज आप लोगों ने सदस्यता ली है और भारतीय जनता पार्टी सदैव जो दूसरे पार्टियों से या अन्य सदस्य आते हैं उनका मान सम्मान रखने का काम करती है। आपका मान सम्मान पार्टी भारतीय जनता पार्टी सदैव रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः एक बार आप सबका हार्दिक अभिनंदन। माननीय जयराम ठाकुर जी से आग्रह होगा। मित्रों, हिमाचल छोटा प्रदेश लेकिन मोदी जी के परिवार को बढ़ाने में, मजबूत करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और उस दृष्टि से अभी 6 विधायक जो जिनकी सदस्यता समाप्त हो गई है, कर दी गई है विधानसभा स्पीकर द्वारा, वो भी शामिल हुए, लेकिन अभी जो 3 विधायक हैं ये वर्तमान में भी विधायक हैं, निर्दलीय विधायक हैं। होशियार सिंह जी दूसरी बार लगातार निर्दलीय विधायक है, 2 बार इंडिपेंडेंट विधायक है, लेकिन मोदी जी के परिवार को मजबूत करना, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना, इस निश्चय के साथ हमारे परिवार में आज शामिल हुए, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। श्री केएल ठाकुर, आप दूसरी बार के विधायक हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। आशीष जी हमारे नौजवान विधायक हैं, इनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। एक विचित्र परिस्थिति मुझे लगता है कि शायद इस प्रकार की बहुत कम देखने को मिलती है, जब चुने हुए विधायक किसी पार्टी से नहीं लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व यानी कि नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए, और हमारा सौभाग्य है कि हम हिमाचल प्रदेश से हैं और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, उनको भी मजबूत करने की दृष्टि से इन्होंने बहुत बड़ा कदम उठाया है। इन्होंने पिछले कल विधानसभा अध्यक्ष महोदय जी को मिलकर के अपना त्याग पत्र दिया है और बड़ा साफ शब्दों में कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करना चाहते हैं और मोदी जी के नेतृत्व को मजबूत करना चाहते हैं, उनकी नीतियों में विश्वास करते हैं, तो उस दृष्टि से आज आप हमारी पार्टी में विधिवत यहां पर शामिल हुए हैं, आपका अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि परिवार में आपको पूरा सम्मान जो है वो दिया जाएगा और निश्चित रूप से आने वाले समय में हम मिलकर के मोदी जी के परिवार को, मोदी जी के नेतृत्व को, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। मेरा आज शामिल हुए सदस्यों में माननीय होशियार सिंह जी से आग्रह है कि आपको संबोधित करें। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि आज हम विश्व के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज हमें मौका मिला कि हम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ताकत बढ़ाएंगे और एक कार्यकर्ता के रूप में हम जो है कार्य करेंगे। जब तक हम इंडिपेंडेंट थे हमारे पर एक लगाम थी कि हम एज इंडिपेंडेंट हम किसी पार्टी के लिए काम नहीं कर सकते, तो हमने निर्णय लिया कि हम अपनी पोस्ट को त्याग करके हम जो है भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे और इस देश में इस पार्टी को मजबूत करेंगे, अपने प्रदेश में मजबूत करेंगे। हमारे प्रदेश का बहुत बुरा हाल है, पिछले 15 महीनों में कोई कार्य नहीं हो रहे
और हम जो इंडिपेंडेंट है, जो पिछली बार भी मैं इंडिपेंडेंट रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन 5 वर्षों में हमारे अपने विधानसभा के लिए 540 करोड़ रुपया हमें मिला, पर इस बार 15 महीनों में हमें कोई डेवलपमेंट के लिए कोई भी हमारे कार्य नहीं हुए, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। दूसरा, जो राज्यसभा की सीट है, जो हमारे हर्षमाज जो हमारे बैठे हुए राज्यसभा के सांसद, जब हमने इनका साथ दिया क्योंकि ये लोकल थे, तब जिस सरकार ने हमें प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, उसके बाद से FIR लॉन्च करनी शुरू कर दी और एक चुने हुए प्रतिनिधि के परिवारों के पर FIR लॉन्च करना शुरू कर दी, दबाव बनाना शुरू कर दिया, जो कि एक लोकतंत्र का गला घोटने के बराबर है। और ये सारी चीजें देखने के बाद हमने निर्णय लिया कि हम जो है त्याग पत्र दे करके हम जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और जो है सेवा के भाव से हम इस पार्टी में कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप सब बैठे रहें, माननीय अनुराग जी भी बैठे हैं आपके साथ।